ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, सर्वे का सेकंड डे। संगमरमर की मूर्ति मिली, खंडित मूर्तियां भी दिखी। अब तक क्या खुला, आज 2 घंटे में क्या क्या मिला। सर्वे का दूसरा दिन, आज भी सच की तलाश। ज्ञानवापी का सच से सामना, मिस्ट्री अनफोल्ड। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है। मेरी सहयोगी प्राची पराशर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हर बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का ये सर्वे जिला अदालत के आदेश के बाद हो रहा है और आज सर्वे का दूसरा दिन है। सर्वे के लिए वक्त मुकर्रर किया गया था सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, और इस वक्त आज दूसरे दिन के 2.5 घंटे बीत चुके हैं और इस वक्त ये सर्वे जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये सर्वे सुबह 11:30 बजे तक पूरा हो जाएगा, तय समय से पहले, क्योंकि आज ये सर्वे ग्राउंड फ्लोर पर होना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सर्वे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि ये सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर हो रहा है और इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दीवार को भी आज फोटो और वीडियोग्राफी एविडेंस में शामिल किया जा रहा है, या कहें कि उसका मुआयना किया जा रहा है। इंडिया टीवी पर हम आपको इस सर्वे की एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं और हमारी सहयोगी प्राची पराशर भी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि गेट नंबर 4 के बाएं और गदौलिया चौराहे की तरफ है। प्राची, वहां क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है और फिलहाल क्या ये माना जाए कि ये सर्वे आज पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पवन, देखिए जैसा आप जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन 11:30 बजे तक ये सर्वे पूरा हो जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल भी आधे से ज़्यादा हिस्सा सर्वे में कवर कर लिया गया था। आज गुंबद का सर्वे होना था, ग्राउंड फ्लोर का सर्वे होना था और वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वो जारी है, लगातार वहाँ पर सर्वे जारी है। और जिस वक्त यहाँ पर मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ की तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए तस्वीरें उतनी ही शांत हैं जितनी शांत कल की तस्वीरें थी, वही बैरिकेडिंग्स हैं, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन यहाँ पर आज ये ज़रूर कहा जा सकता है कि थोड़ा सा लोगों की जो भीड़ है वो कम है। आज जो दर्शन करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं जैसा कल पहुँच रहे थे, आज उतनी बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि कल इस पूरी सड़क पर लाइन हमें देखने को मिली थी श्रद्धालुओं की, लेकिन आज श्रद्धालुओं की लाइन नहीं है, भीड़ ज्यादा जमा नहीं हो रही है, पुलिस को भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है भीड़ को छटवाने में, क्योंकि कल लगातार अनाउंसमेंट हम सुन पा रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हो रहा है। अंदर से जो बड़ी खबर निकल कर आई वो यही कि कुछ कलाकृतियां मिली हैं जिन्हें 15वीं शताब्दी का प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। एक बार फिर से हम पवन के पास ही जाएंगे। पवन जी, बिल्कुल, सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे कितने तहखाने हैं। कल पहले दिन का सर्वे होने के बाद ये बात सामने आई कि 4 तहखानों का सर्वे किया गया है, उन तहखानों में क्या निकला है इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। चूंकि आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जा सकता कि क्या निकला है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन तहखानों में से मूर्तियां बरामद हुई हैं, कुछ कलश बरामद हुए हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, आखिर 4 तहखानों में निकला क्या है। इसके अलावा बहुत सी अफवाहें ऐसी भी थी, वहां सुरंग है या नहीं है, बाकी क्या क्या स्ट्रक्चर है, वो अब सब एक दिन के सर्वे के बाद स्पष्ट होने लगा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।